हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नेक्स्ट डायरी। दोस्तों, आज मेरा जो ये व्लॉग है ना, वो है मेरे लेजर टाइम से रिलेटेड, यानी कि किस तरीके से मैं अपना वर्क जितना मेरा रहता है उससे ओवरकम करके और अपने लिए एक बहुत ही ख़ास समय निकालती हूँ, जिसमें मैं फैमिली के साथ में और फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय करती हूँ अपना मी टाइम। तो आज मैं मूवी जाने वाली हूँ और बहुत सारी मस्ती भी करने वाली हूँ। एक स्पेशल डिश भी है इसके अंदर, समर कूलर कैंडी, वो ज़रूर से आप देखना। फिलहाल मैंने अभी इंजेक्शन के अंदर जो फिल किया है वो है जो कूलर का परफ्यूम आता है वो, और अभी मैं दोपहर की तैयारी कर रही हूँ। कूलर के अंदर पाइप लगा रखा था ताकि उसमें पानी अच्छे से फिल हो जाए, और उसके अंदर मैं ये सेंट जो है या ये जो परफ्यूम है उसे इन्फ्यूज़ कर रही हूँ। और अब देखिए यहाँ पर कितना प्रोग्रेस हुआ है चिकडोर के लिए। तो चौगट जो है वो आप देख सकते हैं कि बनके तैयार हो गई है दोनों दरवाज़ों के ऊपर, और बहुत ही जल्दी इसके गेट भी बनके तैयार हो जाएंगे। चलते हैं अंदर अभी। तो पहले तो मैं मेरे सारे कपड़े जो प्रेस होकर आ गए हैं इनको मैं सेपरेट कर दूंगी, मेरे और साहब के अलग अलग कपड़े करके, और उसके बाद अलमीरा के अंदर जमा दूंगी मैं। तो आज के दिन की बात अगर मैं कहूँ तो बहुत ही रिलैक्स सा डे जाने वाला है। बहुत सारी कड़ी मेहनत के बाद में मुझे ये दिन मिलता है जिसके अंदर मैं पूरे दिन एंजॉय करती हूँ और ज़रा सा भी काम नहीं करती हूँ। मतलब जो रूटीन के रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, ऑफिस का जो काम होता है, वो सब कुछ मैं नहीं करती। तो महीने में मैंने एक दिन ऐसा बना रखा है जिसके अंदर मैं सिर्फ मी टाइम एंजॉय करती हूँ, जितना बहुत ज़रूरी हो बस वो काम करके, और उसके बाद मूवी, मस्ती, फैमिली टाइम और फ्रेंड्स का टाइम निकलता है। और ये देखो क्या भैया, ऑफिस का काम कर रहे हो क्या? हाँ जी, लैपटॉप पे आप क्या कर रहे हो? लेजर डे है इस वजह से थोड़ी सी पैम्परिंग हो रही है, यहाँ पे बालों में तेल लग रहा है, डीप ऑयलिंग हो रही है आज, साथ ही में मसाज भी। कई बार लेजर डे पे मूवी नहीं जाकर मैं पार्लर्स भी जाना पसंद करती हूँ, बट आज पार्लर नहीं जाएंगे। चलिए अब समर कूलर कैंडी बनाते हैं दो फ्लेवर्स में। तो एक तो मैंने ऑरेंज जूस, मेरे पास ऑरेंज सिरप पड़ा था तो वो डाल दिया है आइसक्रीम कंटेनर में, और दूसरे में डाला है मैंने स्ट्रॉबेरी का पल्प। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आपको जो फ्लेवर पसंद हो ना, उसका सिरप या पल्प वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं, और बड़ी आसानी से ये बन जाती है हमारी आइसक्रीम। इसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो इवनली बढ़ सके। ऐसा नहीं हो कि नीचे जो सिरप है या पल्प है वो रह जाए, ऊपर ऊपर पानी रह जाए। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए इसको मैं फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। मैं निकल रही हूँ अभी मूवी देखने के लिए, जाना है और कुछ थोड़ी बहुत परचेजिंग भी करनी है। फ्रेंड्स के साथ मैं मूवी जाने वाली हूँ और इवल डेड राइज जो है वो देखने जा रहे हैं। काफ़ी समय से मैं वेट कर रही थी इस मूवी का। फाइनली हम लोग सिनेमा हॉल पहुंच गए थे और ईवल डेड राइज देखने के लिए हम लोग आए हैं। ये सस्पेंस थ्रिलर हॉरर मूवी है और मुझे बहुत पसंद आती है ऐसी मूवीज। मूवी के बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए, तो थोड़ा सा हम लोगों ने घर के लिए शॉपिंग की है और उसके बाद हम लोग घर पहुंचे। तब तक मौसम बहुत ही डिफरेंट हो चुका था। तो ये देखिए शाम का नज़ारा, मैं फ़िलहाल बना रही हूँ चाय और किचन की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, आसमान तो इतने डिफरेंट कलर्स दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश आ जाए। चीज़ों को मैंने यहाँ पे ओपन करके रख दिया है, एक एक करके दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या परचेज़ किया है। तो सबसे पहले मैं ये एक सेट के बारे में बताती हूँ कि ये बहुत ही प्यारा सा वाइट सेट है, जिसमें हमने ये कुछ बाउल्स लिए हैं, क्वार्टर प्लेट्स हैं एंड फुल प्लेट्स हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं और बस एक ही बार देखते में पसंद आ गई थी। काफ़ी लाइट वेट है और माइक्रोवेवेबल है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये लिया। उसके अलावा एक ये 6 ग्लास का सेट लिया है,
ये बड़ा सुंदर सा सेट है। ग्लासेस ना, मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही है, मतलब सेट कुछ भी अब बचा नहीं है। किसी सेट में 4 ग्लास है, किसी में 6 ग्लास है, तो इस वजह से एक सेट होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए लिया है। ठीक है, इस तरह के कार्डबोर्ड वाली जो ट्रेज आती हैं, इन ट्रेज का मैंने 3 का सेट लिया है, अलग अलग साइज़ में है। एक साइज़ पे हो गई सबसे छोटी वाली, फिर मीडियम और सबसे लार्ज ये रही। तो बड़ी सुंदर सी, बहुत ही सिंपल पैटर्न की ये ट्रे मुझे पसंद आई थी। फिर मैंने ये लिया है फ्रिज ऑर्गेनाइज़र। एग्जैक्टली अगर फ्रिज कहें तो ठीक है, इसके ऊपर लिखा है इसलिए बता रही हूँ मैं, अदरवाइज़ इस रैक के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको यूटिलिटी लगता है ना कि जहाँ पे आपको मिसमैनेज हो रही है, तो उसको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए आप इस तरह के रैक्स रख सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे पड़ी, मतलब एक रैक मेरे ख्याल से 40 या 45 रुपीज़ की होगी ये। और इसके अलावा एक मैंने अभी आजकल, ये ट्रेंडिंग है बड़ा, टॉयलेट क्लीनर, हालांकि आप भी सोचोगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ, बट ये सिलिकॉन ब्रश वाला था तो मुझे एक बार ट्राई करना था कि ये किस तरह की क्लीनिंग देता है, तो इस वजह से मैंने ये भी परचेज़ किया है। फिर ये एक मेरा किचन वाइपर ख़राब हो रहा था, इसका जो ये ब्लेड है ना, ये पूरी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने ये नया परचेज़ किया। तो ये तो यूटिलिटी वाली चीज़ें हो गई। साड़ी वाले हैंगर्स मेरे अब कम पड़ने लगे थे, तो मैंने सोचा कि ये हैंगर का सेट भी ले लूँ। काफ़ी अच्छा है ये, वेलवेट टच में है, तो इसमें से कपड़ा स्लिप होके नीचे भी नहीं गिरेगा। और ये मैंने कुछ डियोज लिए हैं अजमल के, बहुत ही अच्छा सेक्शन है इन लोगों का, कि बहुत बहुत अच्छी खुशबू, फ्रेग्रेंस और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो ये 3 तो मैंने मेरी पसंद के लिए हैं, और ये दोनों जो हैं वो हस्बैंड की पसंद के हैं। साथ में ये टॉल ग्लासेस विद हैंडल, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में देखी थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी ले लेते हैं। ये 2 का सेट है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में था। अच्छा, फिर मुझे ना मेरी मसाला पेंट्री जो है उसको चेंज करना था, बहुत समय हो गया था, एक ही तरह का मैं जार्स कंटेनर्स रख रही थी, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था उसको चेंज करने का शायद अब वक्त आ गया है, तो धीरे धीरे करके चेंज करूँगी, कंप्लीट सेट एक बार में तो चेंज होगा नहीं, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल ये 9 पीसेज लिए हैं। इस तरह का एक ये ग्लास का है और ऊपर लगी हुई है वुडन लिड, तो बड़ा अच्छा सा कॉम्पैक्ट चीज़ लगी मुझे, और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। अच्छा, मेरी जो मेड है ना, वो अब जाने वाली है हमें छोड़कर, उनकी कहीं अच्छी जॉब लग गई गवर्नमेंट में, तो मैंने सोचा उनको भी ये रिक्वायरमेंट थी इस चीज़ की, तो एक उनके लिए फेयरवेल गिफ्ट हो जाएगा ये, इसलिए एक वेजिटेबल चॉपर लिया है। देन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमारे घर में रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली ये एक ऐश ट्रे है, बट ये इतनी ज़्यादा यूनिक थी ना कि मुझे ऐसा लगा ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप इसके अंदर एशेज ही डालो सिगरेट्स की, आप इसमें चॉकलेट्स डाल सकते हो, सौंफ डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, तो इस वजह से मैंने ये परचेज़ किया। और एक्चुअली ना इस पे नज़र हस्बैंड की ही पड़ी थी, तो उनको ये बड़ा अच्छा एंटीक पीस लगा, तो हम लोगों ने पहले तो इसको साइड में रख दिया, फिर सोचा ले ही लेते हैं। अच्छा, एक हमने ना ये 33 पीसेस का डिनर सेट लिया है, इसकी अभी ऐसा हार्डकोर रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ये इतना सही डील में था ना कि ऐसा लगा कि इसको अभी हम लोग अगर मिस कर गए तो फिर परमानेंट मिस हो जाना है, क्योंकि इसके कलर कॉम्बिनेशन, एम्बॉस हुआ हुआ चीज़ें, ये सब बहुत ही सुंदर है। तो ये कंप्लीट 33 पीसेस का सेट है, जिसमें बड़े बाउल्स हैं, छोटे बाउल्स हैं, सर्विंग बाउल्स हैं, ये इस तरह की राइस प्लेट है, क्वार्टर प्लेट्स और फुल प्लेट्स भी हैं साथ में, और माइलो भी यहाँ आ गया है, क्योंकि उसको भी इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होता है ना कि क्या सामान लाए हैं, मुझे भी देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने कुछ गलत खरीद लिया हो। तो माइलो के जस्ट पीछे यहाँ पे ये है एक कैंपर, गर्मियाँ अच्छी खासी शुरू होने लगी है, तो फिर अब कैंपर के अंदर बर्फ़ डाल के रखना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि पानी की बॉटल्स जो है ना वो बार बार फिल करके फ्रिज में रखनी नहीं पड़ती है, एक बर्फ़ का इसके अंदर आप पीस डालो, अच्छा खासा पानी ठंडा हो जाता है। तो ये मेरी कंप्लीट शॉपिंग थी, आई थिंक मैं इसमें से कुछ भी मिस नहीं कर रही हूँ, और माइलो की चेकिंग, क्वालिटी चेक वगैरह सब कुछ माइलो का चल रहा है, वो चलता रहेगा। मैं आपको ये चीज़ें मैंने कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ की है डेफ़िनेटली आने वाले वीडियोज़ में दिखाऊँगी, खासकर मैं अभी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फोकस्ड हूँ मेरे मसाला पैंट्री को जमाने और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो मैं इसका यूजेज बहुत जल्दी आपको बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ करने वाली हूँ।
माइलो को उतारती हूँ मैं नीचे, क्योंकि अगर इसमें से एक भी आई जो ये कांच का मटेरियल जो है ना ग्लास वेयर, अगर वो टूट गया तो इसके भी लगने का डर है और नुकसान तो खैर फिर हर तरह से ही हो जाएगा। बट आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर चीज़ को ये बहुत पैनी नज़र से देख रहा है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए इससे। हो गया माइलो, बस पसंद आया क्या वाइट वाला? हाँ बेबू, आपको वाइट वाले में इसमें ही फिर मैं खाना डालूं हमेशा, हुँ? क्या कहते हो? ये भी देखोगे क्या? ये देखिए आपने, ये भी पसंद आई? अच्छा, ओफ ओ, चल। डिनर हम लोगों ने थोड़ा जल्दी ही कर लिया था और मैं पहुंच गई हूँ फ्रीज़र के पास में, बिकॉज मैं सुबह से वेट कर रही हूँ कि जो मैंने कैंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है ये कैंडीज़ फ्रीज हुई हैं या नहीं। तो बस अब मैं फटाफट से इन कैंडीज़ का लुत्फ़ उठाने वाली हूँ और ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन्हें देख कर आपकी भूख में पानी आ रहा है या नहीं। ज़रूर से अपने घर पे ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही ईजी और यम्मी बनने वाली कैंडीज़ है, समर कूलर है ये। अमेजिंग, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती एग्जैक्टली कि मुझे कैसा फील हो रहा है। सामने टीवी चल रहा है तो मैं मूवी भी एंजॉय कर रही हूँ और ये आइसक्रीम भी खा रही हूँ। होममेड आइसक्रीम इस तरह से ना स्लश या फिर स्क्वॉश के साथ में आप बहुत ही अच्छी बना सकते हो, इवन जो क्रशेज आते हैं उसके साथ तो और अमेजिंग लगती है। स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज की मैंने ये आइसक्रीम बनाई थी, जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा होगा। तो स्ट्रॉबेरी वाली मैंने पहले ट्राई की, उसके बाद माइलो को ट्राई कराई, इवन माइलो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया उसे खाने से, उसको बहुत मज़ा आया खाकर। तो मैंने स्ट्रॉबेरी वाली तो उसी को दे दी थी और फिर खुद के लिए ऑरेंज वाली लेकर आई, तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मेरी चाइल्डहुड की सारी मेमोरीज रिवाइव हो गई है खाकर। तो खैर आप भी बनाइएगा घर पे और समर्स को एंजॉय कीजिएगा। खानी क्या आपको ऑरेंज? आपने खा ली ना स्ट्रॉबेरी? दोस्तों आइसक्रीम खाकर माइलो तो जो है वो मज़े से सो रहा है। आज का व्लॉग बस यहीं तक था, मुझे दीजिए इजाज़त और मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग को लेके। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।